थप्पड़ कांड पर आया शबाना आजमी का रिएक्शन। कंगना को थप्पड़ पड़ा तो शबाना आजमी ने दिखा दिया सपोर्ट। क्या दुश्मन कंगना के लिए पिघल गया जावेद अख्तर और शबाना आजमी का दिल? क्या कंगना के पोस्ट के बाद अब हो रहा है बॉलीवुड का हृदय परिवर्तन? हाँ, अब सवाल तो यही उठ रहा है, क्योंकि कंगना रनौत के थप्पड़ कांड की गूंज इस वक्त बॉलीवुड की दहलीज तक पहुंच गई है और हर कोई कंगना के थप्पड़ कांड के बाद इस वक्त हैरान है। कंगना को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ की महिला जवान ने थप्पड़ मारा तो हर तरफ हल्ला मच गया। नई नवेली राजनीति में आई और नई नवेली मंडी से भाजपा की सांसद बनी कंगना का ऐसा स्वागत होगा, ये भला किसी ने नहीं सोचा था। अब एक तरफ भले ही उस महिला कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया हो, लेकिन बवाल तो फिर भी कटा हुआ है। और बवाल इस बात पर कटा है कि जब इतनी बड़ी हस्ती को थप्पड़ मारा जा सकता है तो भला आम आदमी उसमें क्या ही करेगा। यहां तक कि कंगना ने बॉलीवुड की उस थाली का भी जिक्र कर दिया जिसमें खूब छेद हैं। मतलब यही कि कंगना ने यह कहा है कि बॉलीवुड को मानो उनके थप्पड़ कांड के बाद सांप सूंघा हुआ है, कोई कुछ बोलने को तैयार ही नहीं है इस मसले पर। और अब लीजिए, कंगना के बोलने के बाद शबाना आजमी ने उनका समर्थन किया है। शबाना आजमी बॉलीवुड की वो एक्ट्रेस हैं जो देश या इंडस्ट्री के हर मुद्दे पर खुलकर बात करती हैं, और बात जब भले ही उनकी अनचाही और नॉट सो फेवरेट कंगना की आई तब भी शबाना आजमी ने वही किया। हाल ही में शबाना आजमी ने इस मसले पर दुख जाहिर करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी है, वो भी सोशल मीडिया पर। दरअसल शबाना आजमी ने एक्स पर एक ट्वीट किया और लिखा कि मेरे दिल में कंगना के लिए कोई प्यार नहीं है, लेकिन मैं खुद को उन लोगों के समूह में शामिल नहीं कर पा रही हूं जो थप्पड़ मारने का जश्न मना रहे हैं। अगर सुरक्षा कर्मी कानून को अपने हाथ में लेने लगेंगे तो हम में से कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। तो भाई सुना आपने, शबाना आजमी खुलकर कह रही हैं कि वो भले ही कंगना को पसंद नहीं करती हैं, ना ही कंगना से उनका कोई मोह है, लेकिन एक महिला होने के नाते उन्होंने कंगना का सपोर्ट जरूर किया है और कहा है कि जो कंगना के साथ हुआ वो वाकई में गलत है। इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि कंगना के दुश्मन भी अब उनके जख्मों पर मरहम लगा रहे हैं और खुलकर पंगा क्वीन का सपोर्ट कर रहे हैं। थप्पड़ कांड पर आया शबाना आजमी का रिएक्शन। कंगना को थप्पड़ पड़ा तो शबाना आजमी ने दिखा दिया सपोर्ट। क्या दुश्मन कंगना के लिए पिघल गया जावेद अख्तर और शबाना आजमी का दिल? क्या कंगना के पोस्ट के बाद अब हो रहा है बॉलीवुड का हृदय परिवर्तन? हाँ, अब सवाल तो यही उठ रहा है, क्योंकि कंगना रनौत के थप्पड़ कांड की गूंज इस वक्त बॉलीवुड की दहलीज तक पहुंच गई है और हर कोई कंगना के थप्पड़ कांड के बाद इस वक्त हैरान है। कंगना को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ की महिला जवान ने थप्पड़ मारा तो हर तरफ हल्ला मच गया। नई नवेली राजनीति में आई और नई नवेली मंडी से भाजपा की सांसद बनी कंगना का ऐसा स्वागत होगा, ये भला किसी ने नहीं सोचा था। अब एक तरफ भले ही उस महिला कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया हो, लेकिन बवाल तो फिर भी कटा हुआ है। और बवाल इस बात पर कटा है कि जब इतनी बड़ी हस्ती को थप्पड़ मारा जा सकता है तो भला आम आदमी उसमें क्या ही करेगा। यहां तक कि कंगना ने बॉलीवुड की उस थाली का भी जिक्र कर दिया जिसमें खूब छेद हैं। मतलब यही कि कंगना ने यह कहा है कि बॉलीवुड को मानो उनके थप्पड़ कांड के बाद सांप सूंघा हुआ है, कोई कुछ बोलने को तैयार ही नहीं है इस मसले पर। और अब लीजिए, कंगना के बोलने के बाद शबाना आजमी ने उनका समर्थन किया है। शबाना आजमी बॉलीवुड की वो एक्ट्रेस हैं जो देश या इंडस्ट्री के हर मुद्दे पर खुलकर बात करती हैं, और बात जब भले ही उनकी अनचाही और नॉट सो फेवरेट कंगना की आई तब भी शबाना आजमी ने वही किया। हाल ही में शबाना आजमी ने इस मसले पर दुख जाहिर करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी है, वो भी सोशल मीडिया पर। दरअसल शबाना आजमी ने एक्स पर एक ट्वीट किया और लिखा कि मेरे दिल में कंगना के लिए कोई प्यार नहीं है, लेकिन मैं खुद को उन लोगों के समूह में शामिल नहीं कर पा रही हूं जो थप्पड़ मारने का जश्न मना रहे हैं। अगर सुरक्षा कर्मी कानून को अपने हाथ में लेने लगेंगे तो हम में से कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा।
तो भाई सुना आपने, शबाना आजमी खुलकर कह रही हैं कि वो भले ही कंगना को पसंद नहीं करती हैं, ना ही कंगना से उनका कोई मोह है, लेकिन एक महिला होने के नाते उन्होंने कंगना का सपोर्ट जरूर किया है और कहा है कि जो कंगना के साथ हुआ वो वाकई में गलत है। इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि कंगना के दुश्मन भी अब उनके जख्मों पर मरहम लगा रहे हैं और खुलकर पंगा क्वीन का सपोर्ट कर रहे हैं।